हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और ये अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ पाई है। तो नहीं आने का रीज़न भी क्या है, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले इसको बता देते हैं कि मैंने वीडियो क्यों नहीं पोस्ट की। तो पहली चीज़ कि आप लोगों को जैसे कि पता था कि मैंने सेल निकाली हुई थी 15 अगस्त से 20 अगस्त तक की सेल निकाली हुई थी, जो कि सेल अब एंड हो चुकी है और सभी के प्लांट्स रेडी हो रहे हैं। कुछ रेडी हो चुके हैं, कुछ रेडी हो रहे हैं, अभी ड्राई नहीं हो पाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है। आज सुबह तक बारिश हुई है और फिलहाल अभी थोड़ा सा हल्का सा मौसम खुला हुआ ऐसा है। तो कुछ के लोगों के प्लांट्स को मैं टेरेस पर ले कर आई हूँ, रखी हूँ टेरेस पर, और बाकी कुछ प्लांट्स अभी भी नीचे रूम में ही शिफ्ट किए हुए हैं शेड में, क्योंकि हम सारे प्लांट्स को एक साथ टेरेस पे नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कि कब बारिश स्टार्ट हो जाएगी और सारे प्लांट्स को फिर एक साथ हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अकेले ही काम करती हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है। और दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से मेरे चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ पाई, तो जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे, जो मेरे से काफ़ी टाइम पहले से जुड़े होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा कि अगस्त का जो मंथ होता है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। रीज़न ये है कि मेरे पापा की डेथ जो हुई थी ना, अगस्त के मंथ में ही हुई थी, और तो अगस्त के मंथ में थोड़ा सा पूजा पाठ का काम रहता है, जिसकी वजह से कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है, और इस वजह से इस वीक हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। इस वीक में ही मेरा सारा पूजा पाठ वगैरह होना था, तो इसीलिए इस वीक वीडियोस नहीं आ पाई है और प्लांट्स भी हम नहीं देख पाए हैं। एक हफ्ते बाद हम अपने टेरेस पे आए हुए हैं और जो भी अपडेट है, जैसा भी अपडेट है, सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करेंगे। देखभाल नहीं करने से बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए देसी अडेनियम है सीडलिंग वाली, जिसमें कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं इधर के प्लांट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हुई है। कंटिन्यू 25 डेज रेगुलर बारिश हुई है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बारिश बंद होना, कोई बंद होना नहीं बोला जाता है उसको, कंटिन्यू बारिश हुई है। आज सुबह से बारिश बंद है और आज थोड़ी सी हल्की खिली हुई धूप है, जैसे कि आप ये देख सकते हो मेरी सारी सीडलिंग्स वहाँ पे एंजॉय कर रही है धूप। और 1 वीक के बाद का क्या अपडेट है मेरे गार्डन में, क्या नुकसान हुआ है, सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सभी मेरे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, जिनमें कि कलियाँ भी बन रही हैं, और पहले हम आप लोगों के संग शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से। तो काफ़ी सारे प्लांट्स के फ्लावर्स हम कट करके हटा दिए थे, क्योंकि अगर फ्लावर्स रह जाता और बारिश का पानी लगता ना तो वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देखिए न्यू अगेन कली आ रही है और इसमें बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर आता है। इस प्लांट में मेरे 2 ही 3 बार फ्लावर्स खिले हुए हैं, मैंने उनका पिक्चर शायद नहीं रखा हुआ है, तो अब की फ्लावर्स खिलेगा तो हम पिक्चर उसकी कलेक्ट करके रखेंगे। और ये देखिए सीड ग्रोन है, सीड ग्रोन प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं और बहुत खूबसूरत से कलर आते हैं। ये देखिए यहाँ भी कलियाँ बनना शुरू हो गई। और आप लोगों को सबसे एक अमेजिंग प्लांट दिखाते हैं, जो कि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा प्लांट उसको सेल किया है, फायर ओपल वेराइटी है उसकी, तो हम आपको वो प्लांट पहले दिखाते हैं और उसमें आप देखिएगा सेम प्लांट में किस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी निकालना उसको थोड़ा सा मुश्किल काम है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत खूबसूरत सा फ्लावर खिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका शेड चेंज हो गया है और ये बड्स रेडी हो रही है। और ये देखिए ये फ्लावर स्पेंट हो चुका है और फ्लावर गल भी गया है बारिश की वजह से। और ये देखिए फ्लावर बहुत अच्छे खिल रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे ये देखिए ये सभी मेरे मदर प्लांट हैं, कलियाँ बनी हुई हैं। इस प्लांट में मेरे आज तक फूल नहीं आए हुए हैं, देखते हैं इस बार फूल आता है कि नहीं आता है, भगवान जाने। बाकी इसकी लीफ सबसे अलग है, ये थाईलैंड से मैंने परचेज किया था, थाईलैंड वेराइटी का प्लांट है, अब देखते हैं इसमें फ्लावर कब आता है। और ये इसमें भी बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आता है। और आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ से मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स आज हटाए भी हैं, जो कि ग्राफ्टिंग का काम भी चल रहा है।
आज से सारा काम गार्डन का स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि गार्डन बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, जो कि अब सीडलिंग भी रिपोर्टिंग होगी। अब मैं फ्री हो गई हूँ और यहाँ पे ये देखिए एक फ्लावर स्पेंट हो गया है। तो स्पेंट फ्लावर को ना इस तरीके से आपको रिमूव करते जाना है, क्योंकि बारिश का पानी अगर पड़ता है ना, तो बारिश के पानी की वजह से जब फ्लावर ख़राब होगा ना, ये देखिए थोड़ी सी स्टेम रॉट यहाँ पे हुई है, ये निकल भी गया, ड्राई हो गया था। स्टेम रॉट होता है ना, तो बहुत से लोग स्टेम को वहाँ से कट कर देते हैं, कट करके फंगीसाइड लगा देते हैं, लेकिन मैं कभी भी, ये देखिए ये भी रॉट हो गया है फ्लावर। स्टेम कभी भी रॉट होता है ना, तो हम कट कभी भी नहीं करते हैं और फंगीसाइड भी कभी नहीं लगाते हैं, हम उसको एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं और उस प्लांट को थोड़ा सा हवा में रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मेरा एक प्लांट और रॉट हुआ है, स्टेम रॉट हुई है थोड़ी सी है ये, लेकिन हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपने आप ड्राई होगा और वहाँ से हिल कर जाता है। अडेनियम इतना सेंसिटिव प्लांट नहीं होता है, अडेनियम जब भी ख़राब होता है ना, ज़्यादा पानी से ही ख़राब होता है, कम पानी से कभी भी नहीं ख़राब होता है। तो अडेनियम इतना सेंसिटिव प्लांट नहीं होता है, वो अपने आप को हिल कर लेता है। तो जो थोड़ा बहुत स्टेम रॉट होता है ना, उसको अगर आप लोग धूप में रख दीजिए ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए एक ये मेरी सीडलिंग है, और सीडलिंग के अंदर ये देखिए सीड अडेनियम का सीड पॉड इस बार बहुत सारा क्रैक हुआ है, और जो कि मैंने कलेक्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि बहुत वीक वीक से सीड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सीडलिंग बहुत क्यूट सा है, ग्रो हो गया है, आई होप कि केयर करेंगे और ये भी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे कुछ प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्लावर्स 2 से 3 दिन ओल्ड हो गया है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से ब्लैक कलर में फ्लावर आता है। और इस प्लांट का भी देखिए छोटा सा स्टेम रॉट हुआ है, ये देखिए, और मैंने इसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया है, ये हिल कर जाएगा। हम स्टेम रॉटिंग में स्टेम को कट कभी भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे इस छोटी सी सीडलिंग है, और यहाँ पे मेरा एक ग्राफ्टेड प्लांट है, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला हुआ है। ये देखिए इस प्लांट की ग्राफ्टिंग मैं करने वाली हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, बहुत खूबसूरत सा है, और इसमें बंच में फ्लावरिंग होती है, देखिए कलियाँ बन रही हैं। और एक स्टेम इधर है इसका, ये काफ़ी बड़ा सा प्लांट है मेरा, करीब 2 से 3 साल का प्लांट है मेरा ये, लेकिन हमने इसको ग्राफ्ट आज तक नहीं, इसके कटिंग लेके मैंने आज तक ग्राफ्टिंग नहीं की हुई है, इस बार इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। एक्चुअली इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं ना, कि ग्राफ्टिंग करना बार बार मुश्किल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे सीड पॉट भी रेडी हो रहा है, ये नेचुरल पॉलिनेशन से सीड पॉट रेडी हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए इस समय ना ये समस्या आ रही है मेरे प्लांट में, बारिश के बाद ये इंसेक्ट्स का अटैक हो रहा है, और इंसेक्ट्स जो हो रहे हैं ना, फ्लावर भी खा जा रहे हैं और सीड पॉट भी खा जा रहे हैं। यहाँ पे इंसेक्ट को मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए अब इसकी वजह से ना, ये देखिए इसकी वजह से मुझे सीड पॉट को कट करना होगा और कट करके हटाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स एकदम क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेलिंग वाले प्लांट्स रखे हुए थे ना, काफ़ी सारे प्लांट्स सेल हो चुके हैं, और काफ़ी सारे अभी ऑर्डर पेंडिंग हैं, जो कि प्लांट्स अभी निकालने हैं, जिनकी लास्ट डे पेमेंट आई हुई है 19-20 में, उनके प्लांट्स अभी नहीं निकाले गए हैं। बाकी जिनके पहले पेमेंट आ चुके थे 15 से 18 के बीच में, उनके प्लांट्स ऑलमोस्ट मैंने रेडी करवा दिए हैं, 1 से 2 दिन में वो डिस्पैच भी हो जाएंगे, पैकिंग कराना बाकी है, तो पैकिंग आज हो जाएगी उनकी, और कल छुट्टी होने वाली है और उसके बाद डिस्पैच हो जाएगा। ये देखिए येलो कलर चेंज वाला प्लांट है, फ्लावर फट गया है, फर्स्ट फ्लावर था इसका, ये मेरी खुद की ग्राफ्टिंग है। और ये देखिए बड्स रेडी हो रही है, और प्लांट बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है, कलर चेंज वेराइटी है। इस बार की सेल जो आने वाली है उसमें येलो का काफ़ी सारा कलेक्शन रहने वाला है, बाकी अभी भी सेलिंग वाले प्लांट्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो जिनको भी लेना होगा ले सकता है। और जो ऑफ़र सेल मैंने निकाली हुई थी, आप लोगों को एक चीज़ और भी बता देती हूँ, कि मैंने 80 प्लांट निकाले हुए थे, मतलब 80 प्लांट मैंने सेल के लिए निकाले हुए थे, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना अच्छा रहा और आप लोगों ने मेरे प्लांट्स को इतना अच्छा पसंद किया, कि मेरे 80 से ज़्यादा प्लांट सेल हो चुके हैं, जो कि अभी कुछ प्लांट निकालने बाकी हैं, जो कि मैंने निकाल के नहीं रखे हुए थे। पहले वाले प्लांट्स तो मैंने काफ़ी सारे निकाल के रखे हुए थे, और जो प्लांट्स नहीं निकाले हुए थे उनको अब निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अफ्री हुई हूँ और थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्लांट्स को कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं मेरे, इधर साइड वाले भी सभी सेलिंग वाले प्लांट, ये एक पूरा सेक्शन सेलिंग वाले प्लांट्स का ही होता है, जहाँ पे कि जो प्लांट सेल के लिए अवेलेबल होता है उनको हम इधर साइड में रख देते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर हम अपने प्लांट्स के साथ नहीं रखेंगे तो वो मिक्स हो जाते हैं, और फिर हमें छांट छांट के निकालना पड़ता है कि कौन सा किसको देना है, कौन सा किसको देना है।
कौन सेलिंग के लिए कौन सा अपने लिए रखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा सीडलिंग का सेक्शन है, और यहाँ पे देखिए जो फ्लावर खिलते हुए आते हैं उनको इधर साइड में रख देते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये येलो वाला ना पूरा बंच में फ्लावर आया हुआ था, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और वो फ्लावर स्पेंट हो चुका है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा है। येलो वाइट कलर काफ़ी अच्छा खिलता है, एक खिला हुआ है, एक उसमें भी बर्ड्स है, ये ब्लैकिश वाला है। इसका दो कोड है S37 और 114, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिसके पास भी प्लांट जाएगा ना वो समझ लीजिएगा S37 भी सेम फ्लावर है और 114 भी सेम फ्लावर है। मैंने कोड मेंशन कर दिया, बाकी मेंशन कर भी देंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये येलो वाला कितना खूबसूरत सा खिल रहा है। येलो प्लांट की ना खूब ब्यूटी यही होती है ना कि जो कलर चेंज वाले होते हैं ना ये एक साथ ही खिलते हैं। ये देखिए एक साथ आपको 5 फ्लावर दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा है। दूर से उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर हम पास से शूट करते तो बहुत अच्छा लगता। और यहाँ पे सभी मेरे रूटी स्टॉक काफ़ी सेल हो चुके थे, और यहाँ पे जो मैंने रूटी स्टॉक रखा हुआ है ना ये नीचे वाले रूटी स्टॉक, मतलब जो मेरे ग्राउंड फ्लोर वाले रूटी स्टॉक थे उनको मैंने थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि नीचे भी जगह बनानी है मुझे प्लांट्स रखने के लिए, क्योंकि अब ग्राफ्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग करके प्लांट्स को रखना है, तो इसलिए मैंने कुछ प्लांट्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने पूरी मीडिया को कलेक्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी सारी मीडिया रेडी मतलब निकली हुई है, पॉट खाली किया हुआ है मैंने, तो क्योंकि इतने सारे प्लांट सेल हुए हैं तो सारे मीडिया को मैंने यहीं पे कलेक्ट करके रखा हुआ है। और अब मेरे साथ फ़ायदा ये हो गया ना कि शेड मैंने लगवा दिया तो मेरा सारा काम टेरेस पे ही हो जाएगा। पहले हम रिपोर्टिंग भी नीचे करते थे और नीचे रखते थे, फिर उसके बाद ऊपर टेरेस पे शिफ्ट किया करते थे गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में या नॉर्मल वेदर में फरवरी मार्च में हम टेरेस पे ही सारा काम करते थे, लेकिन बाकी डेज में हमको नीचे करना पड़ता था। लेकिन अब हम शेड लगवा लिए तो हम सारा काम अपने टेरेस पे ही कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे ये देखिए मेरा अरेबिका वैरायटी का ब्लैक हॉक है, कितना अच्छे तरीके से पूरी तरीके से फुल फ्लावरिंग पे है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर खिल रहा है, इसको पॉलिनेट करना है, इसमें सीड बनाएंगे, इसका काफ़ी अच्छा ब्लूमिंग इस समय चल रहा है। और इधर साइड में सारे सीडलिंग ही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये येलो वाला तो पूरा भर भर के फ्लावर दे रहा है। ये देखिए फ्लावर गिर गया, और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर है। और आप लोगों को अपनी सीडलिंग और अरेबिकम प्लांट्स का अपडेट दे देते हैं। और अब बारी आ चुकी है प्लांट्स को फर्टिलाइज करने की, तो कौन सा फर्टिलाइज़र हम देंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र हम देंगे सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करेंगे। और यहाँ पे मेरी सीडलिंग्स रखी हुई है, मतलब सीडलिंग क्या अब ये बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ग्राफ्टिंग एज हो चुकी है इनकी, तो हम इनमें अब ग्राफ्टिंग भी स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी सारी सीडलिंग इसमें से मतलब रूटी स्टॉक मैंने निकाल चुके हैं ग्राफ्टिंग के लिए, बाकी कुछ आज धूप लग जाएगा, थोड़ा सा हवा चल रही है आज मेरे यहाँ, धूप उतनी तेज नहीं है, बहुत हल्की सी भीनी भीनी धूप आ रही है, और तो इसमें से हम कुछ प्लांट्स सेलेक्ट करके निकालेंगे ग्राफ्टिंग के लिए। और यहाँ पे अरेबिकम वेराइटी के प्लांट्स को 3 दिन हुए बाहर निकाल दिए, क्योंकि अब इनको पानी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इनको बाहर कर दिया है। और अब ये पूरी तरीके से ओपन ही रहेंगे, रीज़न ये कि अब इनमें फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है, सितंबर का मंथ जो होता है ना सितंबर में ये फुल फ्लावरिंग पे होते हैं, तो इसलिए अभी से इनको प्रिपेयर करना होगा, तो अभी से मैंने इनको बाहर निकाल दिया है ताकि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से धूप मिलेगा, और धूप के साथ साथ बारिश का पानी मिलेगा ना तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर ये प्लांट देखिए, इसकी पत्ती लगता ही नहीं है कि ये अरेबिकम वेराइटी का प्लांट है, इसकी लीफ देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा और कितना बड़ा बड़ा लीफ हो रहा है, लेकिन ये अरेबिकम वेराइटी का ही है, बिग ब्लैक इसकी आईडी है। और ये देखिए इतने सारे बड़े मतलब कि मेच्योर प्लांट्स हैं अरेबिकम के, जिनमें कि हम सीड पॉड रेडी करते हैं, टोटल में भी ये 24 प्लांट्स हैं और डिफरेंट आईडी ही है सबकी, कोई भी सेम आईडी के नहीं है, और यही 24 प्लांट्स में हम सीड पॉड बनाते हैं और इन्हीं से हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आप लोगों को भी सीड प्रोवाइड करते हैं। तो अब इनको हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करेंगे, क्योंकि अब फर्टिलाइज़र देने की बारी आ चुकी है कि इनको फर्टिलाइज़र दें और ये फ्लावरिंग करें और हम सीड मतलब फ्लावर्स को पॉलिनेट करके सीड बनाएंगे। तो ये प्रोसेस अब शुरू होने वाला है, 10 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अगस्त में आज है आपको 24 या 25 है आज, और 5-6 डेज इसमें बचा हुआ है, और सितंबर में मतलब कि 10 दिन हम लेने के बाद 15 सितंबर से
सीड पॉट बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं अरेबिकम प्लांट्स में, क्योंकि सितंबर में अगर हम बना लेते हैं ना तो सितंबर का 15 दिन उधर बच गया जिसमें कि वो फ्लावर्स ड्राई होके सीड पॉट रेडी हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दो मंथ इनको अच्छे से धूप मिलती है, मिड 15 दिसंबर तक धूप बहुत अच्छी होती है, तो 2.5 महीने में सीड पॉट जो होता है ना वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर वो सीड पॉट जो होता है ना प्लांट में अगर लगा भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब सीड पॉट हेल्दी बन जाता है उसके बाद आपको ठंडी 2.5 महीने बाद मिलती है। इनको ठंड में भी इनको हम ऐसा लोकेशन देते हैं, पॉली हाउस देते हैं जहाँ पे इनको ह्यूमिडिटी मिलती है, पूरा अच्छे तरीके से गर्म क्लाइमेट मिलता है, तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो वो सीड पॉट जो होता है मुझे अप्रैल में या मार्च में होली के बाद हार्वेस्ट करने को मिलता है, और उसके बाद बेस्ट टाइम होता है अडेनियम के बीज को ग्रो करने का, तब हम अडेनियम के सीड को हार्वेस्ट करते हैं और आप लोगों को सेल करते हैं, मतलब कि प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद जो सीड बचता है उसको हम ग्रो कर लेते हैं। टेस्टिंग के तौर पे पहले हम सारे सीड को टेस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम आती है ना कि मेरे सीड जर्मिनेट नहीं हुए, तो भाई पहले मेरे पास जर्मिनेट होते हैं उसके बाद ही हम आप लोगों को देते हैं। और यहाँ पे सभी सीडलिंग्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रोथ कर रही है, और इधर साइड में जो छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं ना इनको मैंने निकाला हुआ है रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ ना बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और ये 1 साल एज की सीडलिंग है, जैसे कि आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये 1 साल की सीडलिंग है, इनकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। और इनके साथ के प्लांट में मैंने ग्राफ्टिंग कर लिया और वो बड़े भी हो चुके हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इनको मैंने रिपोर्ट करने के लिए निकाल लिया है। और ये 2 बास्केट हैं, इनको भी इनकी भी सीडलिंग्स को रिपोर्ट करना है। तो ये कुछ हाल है मेरे गार्डन का, और आप लोगों के संग जो मैंने शेयर किया वही कुछ मेरे गार्डन में चल रहा है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।